भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सांसद विजय बघेल एक दिवसीय प्रवास पर लोधी पहुंचे। भाजपा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सांसद विजय बघेल ने एक दिवसीय प्रवास पर लोधी पहुंचे, जहां स्थानीय रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के वीडियो संदेश को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ एक अकेला प्रदेश है जो राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को संभाल रहा है। विजय बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों के खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचार करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास पहुंचाया जा रहा है। जहां भी चुनाव हुए हैं वहां की व्यवस्था यही की सरकार करती है। वहीं उन्होंने पिछले चुनाव में टी एस सिंहदेव के मैनिफेस्टो को लेकर तंज कसते हुए कहा कि टी एस सिंहदेव ने मैनिफेस्टो से सरकार बनने में अहम भूमिका थी, लेकिन उन्हें कचरे में डाल दिया गया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आम जनता, तमाम संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। इस बीच शामिल लोगों ने कई बिंदुओं में सुझाव दिए। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों को चुनाव जीतने के टिप्स भी देते हुए नजर आए। बयानबाजी तो होना ही है, तो सबसे बड़ा हार्ट सीट हो गया है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रही है। आप सबके नेशनल न्यूज में चल रहे हैं, वहाँ भी वो डिबेट हो रहे हैं। क्या विजय बघेल भी मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे बीजेपी से? मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं चेहरा होंगे, मैं तो वर्तमान में रहता हूँ, वर्तमान में जीतता हूँ। अभी जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है घोषणा पत्र की, उसको निभाऊंगा। आज कितने निश्चिंतत है मैं यहाँ आके आपके बीच में बैठा हूँ। नहीं तो मुख्यमंत्री के खिलाफ मेरा प्रत्याशी बनना मुझे तो हताश करता, निराश करता, परेशान करता। मैं तो जाके जन जन से मिलता, लेकिन कल मैं गया था, सबसे जितने लोग आए मिले, स्वागत किए, सम्मान किए, हजारों हजारों लोग, और मैं वहां पे मंदिरों में गया, और पूरे आत्मा से बता रहा हूं, मैं पूरे दिल से बता रहा हूं, जीत हमारी सुनिश्चित। जवाब लेकिन हमारा नहीं आया। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सीजीविजन टीवी।